तो फ्रेंड्स आज हम झटपट से बनने वाले ब्रेड के दो तरीके के स्नैक्स बनाएंगे और इन्हें आप शाम के चाय के साथ खाने के लिए रमजान में इफ्तारी के लिए या फिर बच्चों के टिफिन के लिए भी बना सकते हैं हाय फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम किचन में आप सबका वेलकम है तो सबसे पहले हम ब्रेड का वेज स्नैक बनाते हैं ब्रेड के मैंने 12 पीसेस लिए हैं और ये फ्रेश है अब इन ब्रेड के स्लाइसेस को हम राउंड शेप में कट कर लेंगे तो ब्रेड के स्लाइस को ऐसे रख लेंगे और राउंड शेप का एक किसी भी डब्बे का ऐसे ढक्कन लेंगे और ऊपर से इसे रखकर प्रेस करेंगे इससे जो है एकदम राउंड शेप में ब्रेड कट होगा ये देखिए इस तरह तो इसी तरह सारे ब्रेड के स्लाइसिस के हम राउंड शेप बना लेंगे और ये जो ब्रेड के किनारे बचेंगे इनके हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे जो हमें अगली रेसिपी में इस्तेमाल होंगे तो इसी तरह सारे ब्रेड के राउंड शेप बनाकर रख लेंगे और चलिए अब इसके फिलिंग बनाते हैं तो एक मीडियम साइज का आलू मैंने उबालकर इसे कद्दूकस कर लिया है तो ये देखिए इसे डाल लेते हैं एक बॉल में और साथ ही में डालेंगे कद्दूकस किया हुआ गाजर और इसी में थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डालेंगे एक चम्मच चिली फ्लिक्स डालते हैं आप चाहे तो इसकी जगह हरी मिर्चों को भी बारीक कट करके डाल सकते हैं अब इन सारी चीजों को अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा अगर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर करेंगे तो फीलिंग बनकर तैयार है अब इसे हम ब्रेड की स्लाइसिस पर एक एक चम्मच भर के अच्छी तरह लगा लेते हैं तो ब्रेड के सारे स्लाइसिस पर इसी तरह फिलिंग को लगा लेते हैं और इसके ऊपर से हम चीज को ग्रेट करेंगे आप चेडार चीज मोजरेला चीज जो चाहे आपको पसंद हो वो चीज लीजिए तो इस तरह देखिए ग्रेट करेंगे तो अच्छी तरह भर के चीज डालेंगे इससे जो है बच्चों को ये बहुत ही मजा आएगा खाने में अब चीज डाल लेने के बाद जो हमने बाकी के स्लाइसिस रखे हैं ब्रेड के उन्हें इनके ऊपर ढककर हल्के हाथों से प्रेस करेंगे ये देखिए इस तरह तो चलिए अब इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेते हैं एक तवा गर्म कर लेंगे और गर्म होने के बाद गैस की फ्लेम जो है स्लो कर लेते हैं गैस की स्लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई करेंगे वरना ये जल जाएंगे एक चम्मच जितना बटर डाल लेते हैं तवे पर आप इसकी जगह घी भी ले सकते हैं या फिर नॉर्मल तेल के साथ भी इसे फ्राई कर सकते हैं बटर के साथ करेंगे तो वे बहुत टेस्टी लगते हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा बटर डाला है इसमें तो बटर मेल्ट होने के बाद इन ब्रेड के स्लाइसेस को तवे पर रखकर अच्छी तरह सेक लेंगे तो तवे पर जितने हम रख सकते हैं रख लेंगे और दोनों तरफ ब्रेड के दो दो मिनट के लिए इन्हें सेक लेंगे तो ब्रेड के स्लाइसिस के ऊपर से भी हम थोड़ा सा बटर डाल लेते हैं तो देखिए आपको जितना चाहिए इसके ऊपर बटर डाल लीजिएगा या फिर घी डाल लीजिएगा तो देखिए सारे ब्रेड के स्लाइसिस पर मैंने बटर डाल लिए हैं अब इन्हें दो मिनट के बाद पलटते हैं तो दो मिनट हो चुके हैं देखिए पलट लेते हैं इन्हें अब दूसरी तरफ भी ब्रेड को अच्छी तरह फ्राई होने देते हैं तो इन्हें ज्यादा गोल्डन ब्राउन होने तक मत फ्राई कीजिएगा बस हल्के से गोल्डन ब्राउन होने के बाद पलट ले ये देखिए इस तरह ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं तो ये देखिए ये स्नैक अब बिल्कुल बनकर तैयार है इसे अब हम निकाल लेते हैं और चलिए अब दूसरे स्नैक की तैयारी करते हैं अब जो ये दूसरा स्नैक हम बनाएंगे ये अंडे से बनाएंगे तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पर आठ से दस ब्रेड के स्लाइसिस रख लिए हैं तो ब्रेड के स्लाइसिस को ये देखिए सिंपल से इस तरीके से कट करेंगे बीच में से तो सारे ब्रेड के स्लाइसिस को इस तरह कट करके रख लेते हैं तो एक बॉल लेंगे और उसमें डालते हैं दो अंडे फिर नमक डालते हैं थोड़ा सा और ये कटा हुआ हरा धनिया और चिली फ्लेक्स आपको जितना इसके तीखा बनाना है उतना आप इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर लीजिएगा तो अच्छी तरह इन सारी चीजों को अच्छी तरह अंडे के साथ फेंक लेते हैं तो ये देखिए बचे हुए किनारों से मैंने ब्रेड के ये ब्रेड क्रम्स बनाकर रख लिए हैं एक एक करके ब्रेड के स्लाइसिस को ये अंडे के घोल में डिप करेंगे और ब्रेड के क्रम्स में देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह लगाएंगे ऐसे ब्रेड क्रम्स इसके अब जिन्हें अंडा खाना पसंद है उन्हें तो ये स्नैक बहुत पसंद आएगा अब ब्रेड के सारे स्लाइसिस को इसी तरह बनाकर रख लेंगे और ये देखिए कढ़ाई में तेल गर्म किया है मैंने तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम रखी है तो गैस की मीडियम फ्लेम पर या फिर स्लो फ्लेम पर ही इन्हें फ्राई कीजिएगा अगर हाई फ्लेम पर करेंगे तो अंडा जो है जल्दी से जल जाएगा तो जितने कढ़ाई में डाल सकते हैं इन पीसेस को डाल लीजिए तो है ना फ्रेंड्स ये दोनों स्नैक्स बहुत ही सिंपल और आसान तो इन्हें आप जरूर अपने किचन में बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा मेरे चैनल पर वेज और नॉन वेज की दोनों तरीके की रेसिपीज अपलोड की हुई है आप देख लीजिएगा आपको बहुत पसंद आएंगे तो ये देखिए एक तरफ फ्राई हो चुके थे इन्हें मैंने पलट लिया है बस इसी तरह अलटते पलटते हुए इन्हें फ्राई करेंगे ज्यादा भी नहीं फ्राई करना है अगर कम समय में कोई अच्छा सा स्नैक आप बनाना चाहते हैं तो इस स्नैक को जरूर ट्राई कीजिएगा आपको बहुत पसंद आएगा अब दोनों तरफ ये अच्छी तरह फ्राई हो चुका है अब इन्हें निकाल लेते हैं तो ये दोनों रेसिपीज आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स और इन रेसिपीज को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा तो फिर चलिए ऐसे ही सिंपल और आसान से रेसिपीज के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाह हाफिज थैंक्स फॉर वॉचिंग